याद कराना होता है। चलें जी, अब आपने बेसिकली क्या करना है, जब इंस्टॉल हो जाएगा ना स्पाइडर, तो आपने यहाँ पे प्रेस करना, स्पाइडर चलाएंगे, ये स्पाइडर है ठीक है, ये मैंने अभी अभी इंस्टॉल किया, ये रहा स्पाइडर ठीक है, इसको आप चलाएंगे, स्पाइडर जाके लिखेंगे, आप स्पाइडर चलाएंगे तो ये स्पाइडर चल जाएगा ठीक है। अच्छा मैं अब आपको दिखाता हूँ, लेट मी शेयर द स्क्रीन, स्क्रीन नंबर 2, तो ये आपको नजर आ रहा है स्पाइडर ठीक यस है। अच्छा मैंने एक लेक्चर भी शेयर किया था आपके साथ, आप लोगों ने देखा वो, ये टाइम नहीं मिला, किसी ने देखा? सर मैंने देखा। ओके वेरी गुड, तो आपने स्पाइडर इंस्टॉल कर लिया अब्दुल्ला, वेरी यस गुड, सर ये मैंने बड़ी मज़, स्पाइडर इंस्टॉल कर लिया। वेरी गुड वेरी गुड। हसन किधर, जैन, हसन और हादी किधर है? मैंने मैसेज किया उससे लेकिन वो आई थिंक रिप्लाई नहीं कर रहा। वो भी कह रहा था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो उसने फिर आई नहीं, आया नहीं। चलिए खैर, अच्छा ये बेटा आपको सारा कुछ सही दिख रहा है, नजर वगैरह सही आ रहा है? कि मेरी स्क्रीन ना काफी बड़ी है, तो मुझे कभी कभी चीजें जो है ना वो सर जो उसने सही नजर, रिस्पॉन्ड किया, वो कह रहा है मैं आ रहा हूँ। वेरी गुड। अच्छा आज जो हम मजे की चीज करेंगे, ऑफ कोर्स एक तो बड़ी जबरदस्त चीज है कि हमने ये स्पाइडर यूज करना है ठीक है, एक तो हमने ये काम करना है, दूसरा हमने एक बड़ा मजे का काम और करना है, मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ। ये जो स्पाइडर है ना, या बाइड जब चलाएंगे ना, अभी आपने कोई सवाल किया करना है जी बताएं। सर ये विजुअल स्टूडियो जैसा सेम है या ये डिफरेंट है सर? ये थोड़ा डिफरेंट है, मैं भी आपको बताऊंगा कैसे डिफरेंट है ठीक है, बड़ा मजे का है, आपको यू विल लाइक इट ठीक है। इसमें ना अगर आप गौर से देखें, अगर मैं एनोटेशन ऑन करूं और इसको देखें, इसमें अगर आप गौर से देखें, लेट मी चेंज द कलर टू येलो, इसमें बेटा आपको ना यहाँ पे चार विंडो नजर आ रही होगी, एक तीन, एक ये नजर आ रही है, एक ये नजर आ रही है और एक ये नजर आ रही है ठीक है ठीक है हाँ ठीक है, ये तीनों की तीनों नजर आ रही हैं आपको, सबको नजर आ रही हैं नजर आ रही है। हाँ जी ठीक है ठीक है। तो अभी हम इसको ना बारी बारी देखते हैं ठीक है। अच्छा सबसे पहले जो मैं दिखाऊंगा ना आपको, सबसे पहले जो हम चीज यूज करना सीखेंगे वो ये सीखेंगे, ये बात, फिर उसके बाद में आपको ये दिखाऊंगा, और फिर उसके बाद में आपको थर्ड नंबर पे ये वाला दिखाऊंगा ठीक है। अच्छा ये जो आपको console 1A नजर आ रहा है ना ऊपर लिखा हुआ, और ये ऊपर कोई मैसेज वगैरह भी आया हुआ है, ये बेसिकली क्या है, ये आप समझ लें कि आपकी जो ज्यादा ब्लैक स्क्रीन आती थी व्यू स्टूडियो को जब हम प्रोग्राम को चलाते थे, है ना, आपको यस याद है सर। हमने, हाँ तो सर वो बेसिक, कंसोल में कहाँ लिखा हुआ है? ये देखो ये लिखा ना कंसोल में, लेट मी ड्रॉ इट, ये देखें ये लिखा हुआ नजर आ रहा है कंसोल में, कंसोल 1A हो गया ठीक है। ये अच्छा ये ना कंसोल बड़ी मजेदार चीज है। अच्छा इसकी बात मुझे अच्छी बात ये लगती है कि इसको ना आपके जितने भी वेरिएबल्स वगैरह हैं उससे आप यहीं पर खेल भी सकते हैं। अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ क्या मतलब है इसका वेरिएबल से खेलने का। सो फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको विंडो नजर आ रही है ना, ये बड़ी जबरदस्त विंडो है, इसमें आप काफी मजे मजे के काम कर सकते हैं ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल आप इसमें क्या काम कर सकते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ पे कर्सर चलना शुरू हो जाएगा ठीक है। आमतौर पर तो हम विंडो स्क्रीन जब चलाते हैं, जब हम विजुअल स्टूडियो में, जब तक हम प्रोग्राम को रन नहीं करते, एग्जीक्यूट नहीं करते, तब तक वो कंसोल में नहीं जाता, यहाँ पे कंसोल चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है ठीक है। आप कुछ जब आप आउटपुट करने को कहेंगे तो भी यहाँ पर आउटपुट आ जाएगी, वरना भी ये कंसोल आपकी चलती रहती है, आप कंसोल पे कुछ करना चाहें कर भी सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूँ, लेट से मैं कहूँ 5 + 6, क्या आंसर आना चाहिए बताएं बेटा, 5 + 11, ये देखिए 11 आ गए ठीक है। एक इंस्ट्रक्शन लिखी है हमने, हमने लिखा है 5 + 6, ये हमने इनपुट लिखी, ये हमने इन इन किया इस प्रो पाइथन के कंसोल में, तो इसने हमें आउटपुट दी क्या, इन दोनों की एडिशन। अच्छा अगर आप मुझे जैन बताएगा, जैन व्हाट अबाउट अगर मैं 5 × 9 करूं, अब क्या हो, क्या आना चाहिए अगर मैं 5 × 9 करूं तो क्या आना चाहिए जी, अगर मैं 5 × 9 करूँ तो क्या आना चाहिए,
बता दें, अभी आप बता दें। 45 ठीक है, ये सबको नजर आ रहा है ना? यस। ओके, अगर मैं ये कहूं, मैं कहूं 9/2, अब क्या आएगा? आराम से बताएं। सर मैं बताऊं? एक और मजे की बात, अगर मैं कहूं 9/2, आप पता क्या आंसर है? पाइथन की ये जो इंस्ट्रक्शन होती है ना, ये बताती है इंटीजर डिवीजन। क्या बताती है? इंटीजर डिवीजन। तो फिर इसका आंसर क्या आएगा? इंटीजर डिवीजन का मतलब होता है जो आंसर आएगा वो इंटीजर आएगा। सर आप स्क्रॉल डाउन कर देंगे, नजर नहीं आ रहा। ये ले, स्क्रॉल डाउन कर दिया। आप बताएं क्या आंसर आना चाहिए? अभी आप बताएं क्या आंसर आना चाहिए? सर मैं बताऊं? नहीं, जैन आप बताएं क्या आंसर आना चाहिए? I'm thinking. ना 9/2 करना है। सर मेरा ना भी दिमाग थोड़ा सा ना। 9/2 करना है, क्या आंसर आना चाहिए? 9/2 हाँ जी। 4.5/2 डिवाइड बाय टू का मतलब ये नहीं कि दो दफा डिवाइड करना है, इसका मतलब ये है सिर्फ डिवीजन करना है, लेकिन आंसर जो आएगा वो इंटीजर आएगा। ये नहीं कि 4.5 नहीं आंसर आना, बल्कि क्या आंसर आना है? 4, सिर्फ 4 आना है। ये देखिए चेक कर लीजिए, ये कितनी मजे की चीज है ना, है ना। और बाय द वे आप ये चाहें तो इस कंसोल को क्लियर भी कर सकते हैं बाय यूजिंग क्लियर कमांड। ये देखिए क्लियर हो गया, ठीक है। ये सबको समझ में आ गई बात? जी सर। ठीक है, अबिया, हसन, सर समझ आ गए? ठीक है, समझ में आ गई। इसमें बड़ी मजे मजे की चीजें हो सकती है, ठीक है, वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। आप चाहें तो यहाँ पे कोई वेरिएबल भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ x = 10 है, ये देखें क्या हुआ, कोई बता सकता है क्या हुआ? यस सर, x में 10 सेव हो गया। ये देखें, अब आपकी सेकंड विंडो की बारी आ गई। सेकंड विंडो ये ऊपर उधर आ रही है ना, वो क्या है? जब मैंने ये इंस्ट्रक्शन चलाई तो इसने यहाँ पे कुछ किया है। क्या किया अभी आप बताएं, क्या किया? जी अभी आप बताएं क्या किया यहाँ पे? अभी हाँ जी बताएं बेटा क्या किया? जब मैंने x = 10 किया है तो इसने यहाँ पे क्या किया? आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं करूं x = 20 तो उसकी वजह से क्या होगा, क्या हो जाना चाहिए? तो 20 आ जाएगा। 10-20 बन जाएगा, and you can see that 20 बन गया, right? ठीक है ना? Do you all agree? ठीक है? अच्छा अब मैं एक और काम करता हूँ। अगर मैं ये लिख दूँ x+=1, इसकी वजह से क्या हुआ? मैं बता दूँ? हाँ जी बता दें इब्राहिम। 21 value। हाँ, x की वैल्यू 21 हो जाएगी। ठीक है, and you can see that। अब यह समझ में आई आपको बात? वहाज जी। ठीक है जी। अच्छा आप मुझे बताएं, अगर मैं कर दूं x-= 10, अब क्या होना चाहिए? x-= 10 का मतलब क्या होना चाहिए?
एक्स माइनस इक्वल टू टेन, देखिए सर पहले क्या पढ़ा हुआ है, पहले 21 पढ़ा ना, तो जब इसमें से माइनस इक्वल टू 10 कर दें, मतलब आप इसमें से 10 माइनस कर दें, तो 21 में से 10 माइनस करें तो कितना आता है अभिया? बेटा 21 में से 10 माइनस करें तो 10 आता है, 11 आता है, ठीक है? तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, यू कैन सी दैट क्या 11 आ गया। अब मैं अगर एक बार दोबारा लिख दूं ये x माइनस इक्वल टू 10 तो क्या हुआ, कितना हो जाएगा? 1 हो गया जी, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा अगर मैं एक और बात करता हूँ, y इज इक्वल टू x लिख देते, अब क्या हुआ? वैन होगा, और एक्चुअली इससे होगा ये कि यहाँ पर अभी आपको मेमोरी में एक वेरिएबल नजर आ रहा है, लेकिन जब मैं y इक्वल टू x करूंगा तो एक और वेरिएबल बन जाएगा जिसमें क्या वैल्यू स्टोर होगी। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, किसी और को भी आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है आवाज, आवाज आ रही है ना। तो अगर मैं y इक्वल टू x करूंगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि y एक और वेरिएबल बनेगा और उसको वैल्यू क्या असाइन होगी, उसको वो वैल्यू साइन हो जाएगी जो x के साइन हो, x में है, और x में क्या पड़ा हुआ है, x में 1 1 हो गया। ये देखिए y भी बन गया जिसकी वैल्यू 1 हो, ठीक है। अब मुझे एक और बात बताइए, मैं दोबारा से क्लियर करता हूँ, क्लियर करने से क्या होगा आपकी फैमिली, मेरी जो कंसोल है ना, जो कंसोल है ना, वो गायब हो जाएगी, कंसोल में सारा कुछ नहीं सर, बस एंड्स गायब होंगे और आउट, बिल्कुल ठीक है, तो ये सारे गायब हो गए, ठीक है। अब बताए मुझे, अगर मैं कहता हूँ y प्लस इक्वल टू 10, तो मुझे बताएं क्या y में चेंज होगी या x में भी चेंज होगी, आप बताएं क्या y प्लस इक्वल टू मैंने 10 किया और मैंने कहा आपको खुद नहीं पता, मुझे पता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे तो सब कुछ पता है, मुझे भी पता ही है। बताएं फिर, अभी आप बताएं, आप वहां जा, आप बताएं सर, अभी मुझसे पूछा फिर अभी से, हां पहले अभी बताओ, आई कांट हियर यू क्लियरली, आर यू जी बताएं अभी क्या हो जाएगी वैल्यू, वाई में कितना हो जाएगा 10, बेटा पहले उसमें 1 पड़ा हुआ है और मैंने कहा है उसमें 10 ऐड कर दो, तो वो 11 हो जाएगा, वो देखेंगे 11 होगा, does it make sense? Yes. ठीक है, ठीक है। अच्छा आप मुझे कोई एक बात बताएं, अगर मैं लिखूं z is equal to x plus y, अब क्या होगा? 11 plus 1 equals 12, और z एक और मेमोरी बन जाएगी जो कि यहाँ बनेगी और उसमें क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, you can see that, सबको समझ में आ गई बात, सबको समझ में आ गई बात, ठीक है। तो बेसिकली ये यहाँ पर जो यहाँ की कंसोल है ना, वो इतनी पावरफुल है कि आप एक एक इंस्ट्रक्शन क्या है तो चला सकते हैं, ठीक है, दैट्स वेरी नाइस। कॉल इसे x plus y जबकि ऑब्वियस है 11 plus 1 is 12, बिल्कुल सही बात, 11 plus 1 is equal to 12 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा आप मुझे कोई बात बताए, अच्छा आप पहले हमने, सो आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया कि ये रेक्टेंगल क्या है और ये रेक्टेंगल क्या है, राइट ये दोनों रेक्टेंगल आपको समझ में आ गए, ये दोनों रीजन आपको समझ में आ गए, कंसोल में क्या हो रहा है और यहाँ पे मेमोरी में क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा अगर सॉरी ये क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा अगर आपने फॉर एग्जाम्पल ये तीन वेरिएबल बने हुए हैं ना, अगर मैंने डिस्ट्रॉय करने हैं तो यहाँ पे एक होता है ये क्या नजर आ रहा है, रिमूव ऑल वेरिएबल्स नजर आ रहा है आपको, अगर आप रिमूव और वेरिएबल्स करेंगे ना तो ये सारे वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ये देखिए सारे डिस्ट्रॉय, और वो कौन सा है कैमरा उसके अंदर एक पेंसिल, ये ना वो सर्च है, आप किसी वेरिएबल को सर्च करिए, अगर यहाँ पे बहुत सारे, अगर आप
एक रिफ्रेश रिफ्रेश भी कोई चीज होती है, आई डोंट नो क्या क्या चीजें, ये चीजें आप खुद देखनी है, ठीक है। अच्छा अब मैं आपके सामने एक मजेदार बात तो, अब मैं इस रीजन में आ गया, ठीक है। ये वो रीजन है जहां पर एक्चुअली हम कोड लिखते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है प्रिंट हेलो, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? अभी आज की वजह से क्या होगा अगर मैं प्रिंट हेलो कहूँ तो क्या होगा? प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा? हेलो हेलो, और वो यहाँ प्रिंट होगा, और वो यहाँ प्रिंट होगा, ठीक है। और इसको चलाने का तरीका क्या है? ये यहाँ पे आपको प्ले नजर आ रहा है, प्ले, यस, ये वाला जो है, ठीक है। तो मैं आपको रेड करके दिखाता हूँ, ये मैं रेड करके दिखाता हूँ, ये ठीक है, जो मैंने रेड किया हुआ, इसको आपने प्ले दबाना है। और मैंने भी पर्पल किया जो मैं बटन वॉकी में कह रहा था। ये देखिए जी, ये मैंने चलाया तो ये देखो, ये कह रहा है, कह रहा है मैंने इस फाइल को चला दिया और इसकी वजह से जो आउटपुट आई है वो आई है हेलो। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, वो वाला बटन का करता है, ये जो कौन सा बटन, दोबारा बताएं कौन सा बटन? ये जो बारी, ये मैं बारी बारी सारे बटन बताऊंगा, अभी मैंने जो पहला बटन बताया वो ये वाला बटन, ठीक है। अगर आप इसी तरह एक और बटन होता है, क्योंकि ये होता है जिसे कहते हैं, मेरे ख्याल में इसे कहते हैं डीबग, अगर आप इंस्ट्रक्शन एक एक करके चलाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए ये यूज होता है। सर आपको विजुअल स्टूडियो से ज्यादा अच्छा क्यों लगा? आपको बताता हूँ थोड़े दिन, ठीक है, थोड़े दिन सबर करें आप, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा क्यों लगता है, ठीक है। देयर इज अ वेरी बिग रीजन फॉर दैट। जी सही, अगला बटन कौन सा है बेटा? ये बहुत सारे बटन है, मैंने सारे बटन आज नहीं बताने, मैं आज से सारे बटन बताऊंगा, ठीक है, सारे कठिन चीजें बताए तो कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा ये देखिए, अब मैंने प्रिंट फंक्शन लिखा हुआ ना, प्रिंट कमांड लिखी हुई है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लिख दूं प्रिंट, और यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दू 2 × 1 = कॉमा, और यहाँ मैं लिखता हूँ 2 × 1, क्या आंसर आना चाहिए इसकी वजह से? जी बताएं कोई, बताएं बताएं, 2 की टेबल 1 तक, बल्कि 1 तक किसको 2 की टेबल नहीं आती, ठीक है। तो ये अच्छा, इसकी तो आए अग्री, तो आप सबको पता है कि इसकी वजह से क्या होगा, मैं चला के दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ये चलाया मैंने तो देखा आउटपुट आई 2 × 1 = 2, ठीक है। अगर मैंने ये आपको पहली क्लास में ही मैंने बताया था, अगर मैं ऐसी कोई यू कर दूं, ठीक है। अच्छा देखें, एक मसला आ रहा है यहाँ पे, ये क्या मसला है देखें, कैन यू सी ए प्रॉब्लम? तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 × 2 कर देते हैं, यहाँ पे 3 कर देते हैं, यहाँ 4 कर देते हैं, 5 कर देते हैं, 6 कर देते हैं, और इसी तरह यहाँ पे भी 6 कर देते हैं, 5 कर देते हैं, 4 कर देते हैं, 3 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, और 1 कर देते हैं, ठीक है। तो ये 2 का पहाड़ आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, देखिए 2 का पहाड़ आ गया, ठीक है। बट कैन यू सी ए प्रॉब्लम इन दिस आउटपुट? 6 ≠ 12, क्या मतलब 2 × 6 = 12 भी होता है? That's not an issue. There is a small issue. And that issue is this. Huh? Kya? इसमें space नहीं होनी चाहिए. इसमें space मैं नहीं चाहता. मैं भी use करें. अच्छा एक मिनट hold कीजिएगा. जी सो अब अगर आप गौर से देखें तो ये बेसिकली ये आउटपुट हो रहा है। दी ओनली प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे ना जब पहली स्ट्रिंग खत्म हो जाती है तो उसके बाद जो अगली चीज आप डिस्प्ले करने को कहते हैं उनके दरमियान में स्पेस आती है, दैट्स द प्रॉब्लम। मैं चाहता हूँ स्पेस ना आए, कहा था कि कॉमा स्पेस डालती है, तो हमें स्पेस नहीं डालना चाहिए। तो याद है आपको हमने दो इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन यूज की थी एंड इज इक्वल टू, हम डबल कोट डाल रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह एक और होती है जिसे कहते हैं सेपरेट फंक्शन, सेपरेशन इज इक्वल टू, आप सिंगल कोट में कुछ भी ना डालें। तो इससे क्या होगा, आप देखें, अब मैं चलाऊंगा ना
सर मैंने पहली में डाला है बाकी में नहीं डाला, अब मैं चलाऊंगा तो देखिए इसके दरमियान में स्पेस नहीं आएगी, बाकी में आएगी। क्यों बाकी में क्यों नहीं आएगी? तो दोनों जगह स्पेस डालनी होगी इंसर्ट रिमूविंग इट। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप दोनों में ही डाल दें, ठीक है, शुरू में डाल दें, उसी तरीका एक में ही करें, ठीक है। तो सेपरेशन का मतलब ये होगा, ठीक है। अच्छा मैं अब आपसे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने को कह रहा हूँ, ठीक है। आज का जो लेक्चर का मेन मकसद है वो ये कि आपको ये आ जाए, ठीक है, ये जो स्पाइडर है वो अच्छी तरह यूज करना आ जाए। अच्छा आप देखिए मैंने इसको अगर लाइन बाय लाइन चलाना है, उसका तरीका ये है कि मैं लाइन नंबर 8 पे जाऊंगा और यहाँ पे जाके करूंगा, यहाँ पे जाके ना प्रेस कर दूंगा ये, यहाँ पे जाके ना 8 के बिल्कुल साथ जिस भी लाइन है उसके साथ जाके मैं ये क्लिक करूंगा तो ये रेड आ जाएगा। इस रेड का मतलब ये है कि इसे कहते हैं ब्रेक पॉइंट। क्या कहते हैं इसको? ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट इज लाइक समथिंग कि आपका प्रोग्राम यहाँ पे आके रुक जाए, ठीक है। अब हाँ, आपने जाना डीबग के अंदर और डीबग में आप डीबग में आपको ये नजर आ रहा है, ये डीबग के अंदर ये नजर आ रहा है आपको डीबग? यस। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F5 या इसके आगे ये आपको नजर आ रहा है, ये मैंने सेकंड रेड किया है। इसका मतलब होता है कि डीबग में चलाओ, यानी कि आप तुमने चलाना शुरू करना है और चलाते जाना है जब तक कि तुम ब्रेक पॉइंट पे नहीं पहुंचते। तो फॉर एग्जांपल मैंने चला दिया तो यू कैन सी दैट कि जब लाइन नंबर 8 पे आ गया, ये देख रहे हैं आपको ये ब्लू नजर आ रहा है। Yes. इस ब्लू का मतलब ये है कि अब ये लाइन नंबर 8 चलाने लगा, ठीक है। अब आप इधर चलेगा, बिल्कुल ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। और स्टेप बाय स्टेप चलाने का तरीका क्या होता है कि आप एक दफा स्टार्ट करते हैं और फिर इसके अगला वाला जो है ना से कहते हैं रन करंट लाइन। सर IPDB क्या होता है? IPDB क्या है इग्नोर करते हैं फिलहाल, ठीक है, डीबगर वो कहते हैं बस। IP मीन इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, DB का मतलब है डीबगर, ठीक है। बट खैर डोंट वरी अबाउट इट, याद करने की जरूरत नहीं। अब देखिए लाइन नंबर 8 चलाने का तरीका यह है कि इसके बाद वाली जो चीज है ये इसे कहते हैं रन करंट लाइन। सिर्फ एक लाइन चलाओ, आप बताएं मुझे अगर मैं ये लाइन चलाऊं तो इसकी वजह से क्या आउटपुट आनी चाहिए हसन? क्या आउटपुट आनी चाहिए इसे हसन? अगर इसे चलाएं तो क्या आउटपुट आनी चाहिए? सर 8 लाइन को, अगर मैं 8 लाइन को चलाऊं तो क्या आउटपुट आनी चाहिए? सर 2 × 1 2 × 1 equals to space के बगैर 2 स्पेस के बगैर 2। ये देखिए ये चलाया मैंने, देखिए आपको नजर आ रहा है 2 × 1 = 2 आ गया, ये बात समझ आ गई। आप देखिए मैं दोबारा चलाता हूँ, अब अभी आप बताएं अगर मैं दोबारा चला दूंगा सर क्या क्या होगा? अब वो लाइन नंबर 9 पे आ गया भाई, देख रहे हैं ब्लू मार्कर्स का, अब क्या होगा? तो लाइन नंबर 2 डिस्प्ले हो जाएगी। क्या होगी? 2 × बताएं 2 × 2 = 4। वेरी नाइस, ये देखिए 2 × 2 = 4 आउटपुट होगा। और इसी तरह आगे चलाते जाएंगे तो ये बारी बारी सारी लाइनें चलती जाएंगी, ठीक है। आखिर में उसने रिटर्न लिखा है कि मतलब प्रोग्राम आपका खत्म है। Doesn't make sense? अब आपने क्लियर करना है, आप बेशक यहाँ पे क्लियर करें, ठीक है? सर क्या होगा? और आप उसके बाद एक और काम आपने करना है कि यहाँ पे स्टॉप डिबगिंग कर देना चाहिए, ये कहते हैं स्टॉप डिबगिंग, ये आपने और एक बटन ये आपने प्रेस जरूर करना है, कहते हैं स्टॉप डिबगिंग, ठीक है। तो आपने ये जरूर प्रेस किया, नहीं ये खुद नहीं करता, आपको स्टॉप करना पड़ता, तो स्टॉप हो गया, ठीक है। अब आप क्लियर करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, डज इट मेक सेंस? ठीक है, अब आपने इकट्ठा चलाना है तो इकट्ठा चलाने के लिए ये करते हैं, ठीक है, ये पूरा आउटपुट हो जाएगा। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप चलाना है तो अगर आप डायरेक्ट ये चलाएंगे तो सारा एग्जीक्यूट, तो ये लाइन नंबर 1 पे आया और मैंने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आया, ये देखिए लाइन बाय लाइन चलना शुरू होगा, ठीक है, ठीक है। स्टॉप करना है, स्टॉप करना है किसी भी मोड पे स्टॉप करना हो तो आप स्टॉप डिबगिंग करेंगे, स्टॉप हो जाएगी। डज इट मेक सेंस? यस सर, मैंने कहा जब आप रन करंट लाइन दबा रहे हैं ना तो IPDG में एक्सक्लेमेशन मार्क नेक्स्ट आ रहा है। हाँ, इसका मतलब एक्चुअली इसका मतलब ही ये होता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, तो आप खुद भी टाइप कर सकते हैं एक्सक्लेमेशन नेक्स्ट। हाँ, इसका मतलब होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। व्हाट्स सो हार्ड इन दैट? ठीक हो गया? डज इट मेक सेंस? और अगर आप बस रन करें तो रन कोड आता है और ब्रैकेट्स में, ठीक है। चलें जी, इसको हम रोक देते हैं फिलहाल, ठीक है, और इसको यहाँ पे जाकर क्लियर कर देंगे। जी जी अभी आप
कुछ नहीं चलो गुड। अच्छा जी, अब मैं आपके सामने एक बड़ी मजे की चीज कर रहा हूँ और आपने मुझे बताना है कि इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी। ठीक है, चलें जी, आप थोड़ी मेरी हेल्प करें और हेल्प ये करें, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो कंट्रोल एस, एच इज इक्वल टू एंट इनपुट, और यहाँ मैं क्या देता हूँ, हाइट। ठीक है, और यहाँ मैं क्या देता हूँ, डब्ल्यू, और यहाँ मैं क्या देता हूँ, विड्थ। ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, और ये मैंने इनपुट ले ली, और इनपुट लेने के बाद मैं कहता हूँ, गौर से मुझे बता दीजिएगा, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, वन कॉमा एच प्लस वन, ठीक है, और यहां मैं कहता हूँ प्रिंट। ठीक है, और प्रिंट में मैं कहता हूँ स्टार प्रिंट करो। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, आई के साथ। ठीक है जी, अब मुझे कोई बताए इसकी प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी, बताएं। लेट से मैं चलाता हूँ उसको, और इस लाइन को फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, लेट से कि मैंने हाइट एंटर की, और हाइट एंटर की 5, तो क्या आउटपुट आनी चाहिए बताएं जी। वेरी नाइस, इब्राहिम इज करेक्ट। ये आप सबको समझ में आ गया कि क्या, ये सबको समझ में आ गई क्या हो रहा है? सब कुछ स्टैटिक से बना हुआ। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गई ये बात? ठीक है, नो या यस? नो। नो, क्यों नो? बेटा पहली दफा आई की वैल्यू 1 होगी ना, तो ये करेगा स्टार मल्टीप्लाई बाय 1, तो एक स्टार डिस्प्ले हो जाएगा। मैं भी चला दिखाता हूँ, इसको डीबग करते हैं। ये देखिए, मैंने इसको चलाया, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, और मैंने यहाँ पे इनपुट दिया हाइट इज इक्वल टू लेट्स से 5। ठीक, अब वो कहता है मैंने ये लूप चलाना है, और देखिए एच की वैल्यू 5 आ चुकी है, और मैंने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को कहते हैं कंट्रोल F10, तो मैंने कंट्रोल F10 प्रेस किया। देखिए आई की वैल्यू कितनी आ गई है, शुरू में आई की वैल्यू कितनी है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय स्टार का मतलब है एक स्टार डिस्प्ले को, तो कंट्रोल F10, ये देखिए एक स्टार डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अब मैं दोबारा अंदर आया, आई की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, क्योंकि मैंने 1 से लेकर मैंने 6 तक कहा है, 6 से कम कहा है एच प्लस 1, तो अब क्या होगा, अब वो कहता है स्टार मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। स्टार मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब क्या होगा, कितने स्टार होंगे अभी अप्रिंट, 2, तो ये देखें 2 स्टार डिस्प्ले हो गए। ठीक है, फिर मैंने कंट्रोल F10 दबाया, अब आई की वैल्यू 3 हो गई है। अब जब मैं स्टार मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा, आई करूंगा, तो ये कितने स्टार डिस्प्ले करेगा, 3, अभी बताएं 3, तो देखें 3 स्टार डिस्प्ले हो गए। और फिर ये चला, फिर 4 हुए, फिर 5 हुए, और फिर ये टर्मिनेट हो गया। क्यों? क्योंकि एच प्लस 1 का मतलब है लेस देन 6 तक चलना, तो जैसे ही आई की वैल्यू जैसी फॉर लूप जो है ना, वो 5 तक चलता है। फॉर लूप में और व्हाइल लूप में बस थोड़ा सा यही फर्क होता है कि आई वो जो है ना वो 5 पे ही ब्रेक होता है, और जो व्हाइल लूप, देखें ये थोड़ा सा फर्क है, ये देख लें, जो व्हाइल लूप होता है, हसन आप इधर हैं? यस सर। अच्छा, मजे की बात देखें, अगर मैं यही प्रोग्राम व्हाइल लूप से लिखता तो आई मेरा ब्रेक होता, तो आई की वैल्यू 6 होती। ये बात समझ में आई आपको? ये नहीं आई, यही देखें, इसी प्रोग्राम को मैं रोक देता हूँ, मैं कमेंट कर देता हूँ, और इसको मैं अब कोड करता हूँ व्हाइल लूप के साथ, सॉरी। ठीक है, अब मैं व्हाइल लूप के साथ करता हूँ, तो व्हाइल लूप में करूंगा आई इज इक्वल टू 1, और यहां मैं लिखूंगा व्हाइल, और यहाँ लिखूंगा आई इज लेस देन और इक्वल टू एच प्लस 1, बल्कि लेस देन कर देते हैं एच प्लस 1, और कॉलन लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं क्या, यहाँ लिखते हैं प्रिंट। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं आई प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, और अब मैं अगर इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो वो हाइट की वैल्यू लेता है, हाइट की वैल्यू अब गौर से देखते जाएगा, हाइट की वैल्यू इसने 5 ली,
और देखें जब लूप खत्म हुआ है तो आई की वैल्यू कितनी है, दैट्स द डिफरेंस फॉर लूप में और वाइल लूप में, ये फर्क होता है कि वाइल लूप जब खत्म होता है तो उसकी वैल्यू एक ज्यादा होती है, बट फॉर लूप जब खत्म होता है तो उसकी वैल्यू जो होती है वो एग्जैक्टली उतनी होती है जितनी जितना वो एंड हुआ होता है, लेकिन वो एक दफा चलता है। ये सबको समझ में आ गई बात, अगर हमने इस तरह से रेंज करके हम लिखेंगे तो ये आराम से देख लें। इसी कोड को मैं दोबारा से कमेंट कर रहा हूँ, और ये देखें मैंने कमेंट कर दिया और यहाँ पे जाके इसको मैंने अनकमेंट कर दिया, ठीक है। और अब मैं इसको चलाता हूँ और अब मैं चलाऊंगा इसको, ये देखें इसको मैं चलाता हूँ, मैं चलाऊंगा इसे, ये देखें मैंने चला दिया, हाइट इसने 5 एंटर की और देखें अब एच आई की वैल्यू 5 है, ठीक है। लेकिन अब जब नीचे वाले को मैंने चलाया था तो आई की वैल्यू कितनी थी, आई की वैल्यू 6 थी। अपने आपको समझाएं, ये बात समझ में आती है आपको, ठीक है। लेट्स टेक 1 मिनट ब्रेक, आप आराम से समझ लें। समझ में आ गई सबको बात? Yes. ठीक है, बस ये चीज एक ज़हन में रखिएगा, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये देखें, let's check this. Of course. करते हैं। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं, यहाँ मैं लिखता हूँ रेंज और यहाँ लिखता हूँ 1, यहाँ लिखता हूँ 5। सॉरी इसको छोड़, मैं चीज देखना चाहता हूँ मन नहीं। अच्छा ओके, अब मुझे बेटा एक बात का जवाब दे। अच्छा अभी आपको समझ में आ गया है ना, ये फॉर लूप वाली बात समझ में आ गई है ना? Yes. ठीक है। अच्छा अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, और सवाल बेटा मेरा ये है कि व्हाट इफ के ये होता, मैं आई ना करता बल्कि डब्ल्यू कर देता, और डब्ल्यू ये है, अब क्या होगा? जैन आप बताएं क्या होगा? सर आई एम थिंकिंग सर, इधर अगर देखें हम अगर हाइट की दे दें वैल्यू, ओके तो इधर होगा हाइट की वैल्यू 5 है और विड्थ की वैल्यू जो है वो मैंने एंटर की है लेट्स से 10, अब क्या होगा? 10 तो इधर होगा कि ये स्टार्स जो है ये 10 प्रिंट होंगे। हां स्टार्स 10 और ये अगर 5 टाइम्स 10 की रो जो 10 स्टार्स होंगे उनकी एक रो प्रिंट होगी, उसके बाद एक और 10 स्टार्स की रो प्रिंट होगी, इब्राहिम अहमद अब्दुल्ला अहमद ये सबको समझ में आ रहा है बात, ये क्या बात हुई है? ठीक है क्योंकि आज अभी थोड़ा सा ट्विक होगा देखना सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है। सो कीप अलर्ट योर सेल्फ। अब ये बस समझ में आ गई है बात कि इसको करेंगे तो आउटपुट क्या होगी, एक रेक्टेंगल आउटपुट होगा, तो हाइट ली हमने 5 और विड्थ ली हमने 10, तो ये इस तरह का एक रेक्टेंगल डिस्प्ले हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने स्टार को मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू किया तो वो हमेशा 10-10 दफा स्टार डिस्प्ले करेगा। ये बात समझ में आ गई? अब ये ठीक है, ये बात समझ में आ गई है ना? ठीक है वेरी गुड। अच्छा अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करने लगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या करने लगा। मैं ना आपके मैं एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ हम सवाल क्या करने लगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आराम आराम से करना चाहता हूँ,
हम कुछ इस तरह की चीज बनाना चाहते हैं। कैसे? हम कुछ इस तरह की चीज बनाना चाहते हैं, ये। और फिर I want to build the following as it is. It's a kya? ये क्या है? House. मैं कुछ इस तरह की चीज बनाने लगा हूँ आपके सामने थोड़ी देर में, ठीक है? Just keep, you know, अपने आप को ना अलाइव रखें, ठीक है? लेकिन आज तक बनाएंगे, ठीक है? तो डू यू अग्री कि हमने एक्चुअली हाउस का जो नीचे वाला पोर्शन है वो तो बना लिया है ना? Yes. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसको, इसको इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है? ताकि अब हमें ये बना लिया, ऊपर वाला पार्ट रहता है, ठीक है? अच्छा, ऊपर वाले पार्ट को अगर गौर से देखें, क्या करें? गौर से देखें। मैं तो अच्छा, एक मिनट, ठीक। इसको अगर आप गौर से देखें तो असेंशियली इसके अंदर बड़ी मजेदार चीज है। और मजेदार चीज ये है कि असेंशियली इसके अंदर कुछ मजेदार चीज क्या हो रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहने लगा हूं। हो ये रहा है कि इसके अंदर ना शुरू में कुछ स्पेसेस आती हैं, फिर अगली दफा अगर आप देखें तो स्पेसेस एक कम आएगी, और अगली दफा देखेंगे तो स्पेसेस एक और कम आएगी, हमने किया हुआ, और अगली दफा देखेंगे तो स्पेस और एक कम आएगी। ये समझ में आ गई बात? ये हमने पहले किया भी था। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, अब एक बार और इस तरह से बारी बारी करते करते एक 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 स्पेस कम होती जाएगी, है ना? अच्छा, अगर आप गौर से देखें तो अगर मैं कहूं फॉर एग्जांपल इसकी हाइट एच है, इसकी अगर हाइट एच है तो पहली दफा स्पेसेस कितनी है, बल्कि आखिरी दफा स्पेसेस कितनी है? जीरो, है ना? जीरो होगी ना बेटा, आखिरी दफा जीरो होगी ना, या वन कर लेते हैं, हाँ जीरो या वन कर लेते हैं, जो मर्जी कर, डजंट मैटर। फिर क्या होगा? फिर वन होगा, फिर टू होगा, फिर थ्री होगा, आखिरी दफा क्या होगा? अभी आप बताएं, यानी सबसे ऊपर वाली में कितनी स्पेसेस होंगी? अगर मैं टोटल हाइट एच कह रहा हूँ जीरो से काउंट शुरू किया मैंने, हाँ जितनी एच की हाइट होगी उससे एक काम नहीं होगी, उससे एक काम नहीं होगी, क्यों भला? तो इमेजिन द फॉलोइंग, अगर मैं तीन हाइट रखता हूँ, तीन हाइट करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बेसिकली आखिरी दफा, तो बेसिकली ऐसे होना चाहिए एक स्पेस, फिर होना चाहिए तीन दफा स्टार, फिर होना चाहिए पांच दफा स्टार, ठीक है? लेकिन आप स्पेसिस को भी काउंट कर लेते हैं, स्पेसिस को मैं काउंट करवाता हूँ, ठीक है? ये देखेंगे, ये दो दफा स्पेसेस, एक दफा स्पेस और आखिरी दफा कोई स्पेस नहीं, ऐसे ही? Yes. ठीक है? तो हम बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पर हाइट कितनी है, यहाँ पर हाइट है तीन, और शुरू में स्पेसेस होती हैं दो, फिर स्पेस होती है एक, और फिर स्पेस होती है जीरो, है ना? है ना? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ इस तरह की बात है कि जब पहली दफा चलता है तो कितनी स्पेसेस आती हैं। अच्छा, बाय द वे, अगर मैं इसी के हाइट को कर दूं पांच, तो अभी आप मुझे बताएं पहली दफा कितनी स्पेसेस आएंगी? फोर, और फिर एक दफा स्टार आएगा, फिर तीन दफा स्पेसेस आएंगी और तीन दफा स्टार आएगा, और फिर दो दफा स्पेसेस आएंगी और पांच दफा स्टार आएगा, है ना? और फिर क्या होगा? एक दफा स्पेस आएगी और फिर ये स्टार आएंगे, है ना? नौ दफा स्टार, नौ दफा नहीं, ये सात दफा स्टार, और फिर नौ दफा स्टार। Does it make sense? है ना? ये बात समझ में आ गई? Yes. ठीक है, तो essentially हमने करना क्या है, अगर आप गौर से देखें तो अगर हाइट की वैल्यू फाइव है तो चार स्टार होते हैं, तीन है तो दो स्टार होते हैं। तो अगर हाइट की वैल्यू एच है तो पहली दफा कितनी स्पेसेस आती हैं?
H माइनस वन, जो H का मतलब ये है कि जब लाइन की वैल्यू वन होती है तो जो नंबर ऑफ स्पेसेस होती हैं वो H माइनस वन होती है ना, और जो स्टार्स होते हैं वो कितने होते हैं पहली लाइन में, वन, ठीक है। आप इधर आ जाएं, जब लाइन नंबर दो होती है तो स्पेसेस कितनी होती है, H माइनस टू, H माइनस टू, और स्टार्स कितने होते हैं, थ्री। अब आएगा मजा, तीन, है ना। अच्छा, इसका मतलब है अगर ये तीन लाइन, जब तक थर्ड लाइन होगी तो नंबर ऑफ स्पेसेस हो जाएंगे H माइनस थ्री, है ना, और ये कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। आप मुझे बताएं कि पैटर्न क्या होगा, अगर आईथ लाइन होगी तो ये तो बड़ा सिंपल बन रहा है, अगर वन होता है तो एच माइनस वन, टू होता है तो एच माइनस टू, तो आईथ लाइन होगी तो ये क्या हो जाएगा, एच माइनस आई हो जाएगा, है ना। तो आई की वैल्यू वन पुट करो तो एच माइनस वन आता है, आई की वैल्यू टू पुट करो तो एच माइनस टू आता है, तो इसका मतलब है आईथ लाइन यानी पैटर्न जो है वो ये बन रहा है ना। अब सवाल ये है कि इसके स्टार्स का पैटर्न क्या बनेगा, स्टार का पैटर्न है ऑड नंबर पैटर्न, तो याद है ऑड नंबर पैटर्न किस तरह निकालते हैं, हाँ जी, ऑड नंबर पैटर्न पता है ना क्या होता है, कि वन हो तो ये आई है ना, तो ऑड नंबर पैटर्न क्या होता है, ऑड नंबर पैटर्न होता है जब वन हो तो वन आए, टू हो तो थ्री आए, फोर हो सॉरी थ्री हो तो फाइव आए, ऐसे होता है ना। Yes. तो मुझे बताएं जनरल पैटर्न क्या हो, और अगर फोर आए तो यहाँ पे सेवन आए, तो कैन यू टेल अस के पैटर्न क्या है, कि जब आईथ आई हो तो ये क्या होना चाहिए, याद है फॉर्मूला, टू मल्टीप्लाइड बाय आई माइनस वन। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी ये पैटर्न बन रहा है, और पैटर्न ये है कि जो नंबर ऑफ स्टार्स आने हैं वो आने हैं टू टाइम्स आई माइनस वन, ठीक है। तो अब मैं आपको सामने बड़ी मजे की चीज बता रहा हूँ, मजे की चीज ये है कि यहाँ पे अब मैं उसकी झोपड़ी बनाने लगा हूँ, ऊपर वाले हट की झोपड़ी बनाने लगा, और मैं क्या करूंगा, फॉर लूप लगाऊंगा दोबारा से, ठीक है, आई इन रेंज, अगेन वही कहूंगा क्या, वन से लेकर, वन से लेकर एच माइनस एच प्लस वन तक, और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम करेंगे, अच्छा बाय द वे इसकी हमें विड्थ की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाइट की इज इनफ फॉर अस, और यहाँ क्या, जी जी बताएं इब्राहिम सर, लाइन नंबर 13 पे क्रॉस आ रहा है, हाँ वो इसलिए आ रहे हैं कि मैंने इस पे एरर किया हुआ है, तो उसको ठीक कर लेते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। तो मैं इसे खत्म कर रहा हूँ, तो मैंने कहा आई इज़ इक्वल वन से लेकर एच तक जाए, ये वो अभी कभी मैंने लिखा नहीं है ना कोड, इसलिए कह रहा है कि वो लिखना, आप लिखना भूल गए इधर, ठीक है। तो हम ये अभी लिख लेते हैं, हम लिखेंगे क्या, पहले हम प्रिंट लिखेंगे, और प्रिंट में लिखेंगे पहले हमने स्पेसेस डिस्प्ले करनी है, और स्पेसेस का पैटर्न क्या है, इसे हमें कहना है स्पेस डिस्प्ले करो, और स्पेस को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, जी क्या पैटर्न हमने निकाला, H माइनस लाइन एल एन, H माइनस आई, ठीक है। अब एक और गौर से मेरी बात, उसके बाद फॉर्म स्पेस के फॉर्म बाद क्या डिस्प्ले होता है, n इक्वल्स नथिंग, नहीं फिर हम यू करते हैं, फिर हमने स्टार डिस्प्ले करना है तो हम स्टार कर देंगे, ठीक है, और स्टार को हमने कितनी से किससे मल्टीप्लाई करना है, टू टाइम्स बता दें सब आई माइनस वन, वेरी गुड, तो ब्रैकेट डाल दीजिएगा, ठीक है, ताकि वो गलत ना हो जाए, ठीक है, ये बात समझ आई, टू मल्टीप्लाई बाय आई माइनस वन, ठीक है, तो ये ब्रैकेट डाल दी ताकि उसको पता लग जाए कितना था मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हम चलाएंगे ना, थोड़ा सा मसला आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ चला, ये देखें जी, हाइट मैंने चलाई, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ उसको, ठीक है, मुझे
operand types for string and int. ये तो मसला नहीं होना चाहिए, क्या मसला आ रहा है इसको? ये तो मसला नहीं होना चाहिए, ये क्यों कह रहा है? टू मल्टीप्लाई बाय आई माइनस वन ही तो चलना चाहिए इसको, इसको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये है ना, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कहना नहीं चाहिए इसको। शायद आपने टू मल्टीप्लाई बाय आई माइनस ए की वैल्यू ये मसला आ गया, यहाँ पे ब्रैकेट लगानी थी, वो ब्रैकेट नहीं लगाई तो वो मसला कर रहा है। पता है क्या मसला हो रहा है? क्योंकि वो पहले स्टार को एक्स से मल्टीप्लाई कर देता है तो वो स्ट्रिंग बन जाती है, अब उसके अंदर माइनस आई करोगे तो वो कहेगा स्ट्रिंग में से मैं इंटीजर कैसे माइनस करूं। ठीक है, ये बात समझ आई क्या हुआ? मैंने ना ये ब्रैकेट नहीं लगाई हुई थी, मैं दोबारा दिखाता हूं। असल में इशू ये था कि हमने ना ये ब्रैकेट नहीं लगाई हुई थी। अगर ब्रैकेट ना लगाए तो उसका मतलब क्या है? हमने कहा स्पेस मल्टीप्लाई बाय एच माइनस आई। ठीक है, अब एच की वैल्यू लेट से मैंने 5 एंटर किया तो ये कहता है क्या? स्पेस मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस आई, आई की वैल्यू 1, तो ये क्या हो गया? ये हो गया स्पेस मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 5 दफा स्पेसेस आ गई, 1 2 3 4 5 माइनस में 1। अब इसको कैसे डिफाइन करें कि स्पेसेस में से 1 माइनस कर, तो वो कर नहीं सकता। उसका तरीका क्या है कि आप इसको यहाँ ब्रैकेट लगा दें, तो पहले वो ये इस ब्रैकेट को सॉल्व करता है जिस तरह मैथमेटिक्स में होता है, फिर वो मल्टीप्लाई बाय कंकैटनेशन वाला काम शुरू करता है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसको हमने यहाँ से, इसको हमने यहाँ से हटा दिया और अब हम इसे चलाएंगे तो ये चल जाएगा। ठीक, सो लेट मी एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। सो बिफोर दैट लेट मी क्लियर द स्क्रीन, और अब मैं इसको चलाता हूँ और हाइट की वैल्यू 5 एंटर की, देख लिया हमारा घर आ गया। ठीक है, डज इट मेक सेंस? हमारा घर आ चुका है और हम एक बड़ा मजे का काम करते हैं, इसके फौरन नीचे हम अपना घर बना देते हैं। और वो कैसे बनाते हैं? दोबारा से फॉर लूप, लेकिन अब हम करेंगे क्या, प्रिंट करेंगे। एक काम और कर लेते हैं कि जब ये लूप से बाहर आता है तो हम देख लेते हैं कि आखिरी दफा स्टार कितने डिस्प्ले हुए थे, वो हमें पता है किसमें कैलकुलेट हुए होंगे, वो जगह 2 मल्टीप्लाई बाय आई माइनस 1। ये कैसे पता है, पता लगा मुझे बताएं, आखिरी दफा जितने नंबर ऑफ स्टार्स डिस्प्ले हुए होंगे वो इसके अंदर सेव होंगे ना, वो 2 मल्टीप्लाई बाय आई माइनस 1 ही होगा, है ना? उसको मैं सेव कर लेता हूँ, ये हमारा एस हो जाएगा। और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कहता हूँ प्रिंट, और प्रिंट में क्या करता हूँ, अब एच दफा मैंने दोबारा नीचे आना है घर बनाने के लिए, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं करूंगा ऐसा करो, अब स्टार डिस्प्ले करो, पता कितने दफा स्टार डिस्प्ले करो, मल्टीप्लाई करो एस दफा। ठीक है, और इसको हम चलाएंगे, एक मिनट रुकिए बेटा, कुछ और मैंने यहाँ पे 5 एंटर किया और मेरा घर, ओह गलत हो गया, क्यों गलत हुआ है? मुझे खत्म होने वाली है, खत्म होने वाली बेटा जी, बताएं क्या मसला है? मसला ये थोड़ा सा इधर हो गया है ना, तो क्या करना चाहिए? अच्छा हाँ, मैं आपको एक और मसला बता, एक मसला है यहाँ पे, सेपरेटर इज इक्वल टू, हमने क्या नहीं लगाया वाला, नथिंग, ये नहीं लगाया। ठीक है, आप जब इसको चलाएंगे ये बिल्कुल ठीक आएगा। ठीक है, ये देखिए चलाते हैं, हाइट चलिए 5 एंटर की और हमारा घर बन गया। ठीक है, और इसको दोबारा चलाते हैं क्लियर करके, दोबारा चलाते हैं और अब हाइट की वैल्यू बड़ी दे देते हैं, लेट्स से 10 दे देते हैं, हमारा घर बन गया। वाह जी वाह, घर बन गया, घर तो बन गया, लेकिन ना मुझे लगता है थोड़ा ऊंचा ज्यादा, ये देखिए हमारा घर बन गया, है ना? मुझे लगता है आपको छत और नीचे, अच्छा एक और मैं इसको, अगर मैंने इसको मैंने थोड़ा फैलाना हो तो उसका एक और तरीका भी है कि मैं करता हूँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बजाय 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और फिर यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अब क्या होगा? अब अगर मैं इसको चलाऊंगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं हाइट दे देता हूँ लेट्स से 10, और आप देखिए अब क्या हुआ है,
ओ अब एक मसला हो गया, बोला क्या मसला हुआ है, कैन यू सी अ गलत प्रॉब्लम? हमें हमें जो पानी नंबर ऑफ स्पेसिस है उसको देखना पड़ेगा, केयरफुली देखना पड़ेगा, तो वो हमने थोड़ा केयरफुली नहीं देखा, तो वो आप थोड़ा बना सकते हैं, थोड़ा सा फैलाना हो तो फिर आप बड़ा केयरफुली दोबारा से स्पेसिस की भी कैलकुलेशन दोबारा से करनी पड़ेगी, ठीक है? और वैसे हम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन लेट्स नॉट डू दैट, ठीक है? लेकिन वो हम करना चाहें तो कर सकते हैं, मेरे ख्याल में आराम से कर सकते हैं, ठीक है? सो दैट्स समथिंग यू शुड और आपने थिंक हाउस अबाउट। एस्पेक्ट्स भी बनाए ना, सॉरी बेटा, दोबारा बताएं, दोबारा बताएं क्या? हाउस का स्क्वायर एस्पेक्ट्स से बनाया है ना हाँ, स्टार, स्ट्राइक तो से बना है। हाँ, तो आप बेसिकली बस कुछ अब यहाँ पे वो थ्री को एस्पेक्ट्स टू कर देता हूँ, और एक मिनट यहाँ पे भी थ्री को टू कर देता हूँ, ठीक है? और इसको ऐसा करते हैं, इसको हाफ कर देते हैं, ठीक है? उससे फायदा ये होगा कि हमारा थोड़ा सा नीचे नीचे जो चीज है वो छोटी बन जाएगी। तो यहाँ पे हम फाइव कर देते हैं। अब क्या मसला हुआ अभी, अब क्या मसला हुआ? क्या हाँ, तो इसमें क्या मसला है? होता है? ओह, यहाँ पर डिवाइड बाय टू आ गया, तो यहाँ पर डिवाइड बाय टू करना पड़ेगा, ठीक है? याद है आपको मैंने बताया था, जब एच डिवाइड बाय टू करते हैं तो वो इंटीजर डिवाइड बाय टू फ्लोट में आंसर आता है, तो हमने इसको, अगर मैंने इंटीजर मतलब पार्ट लेना हो, एट हाँ, उसको इंटीजर करने के लिए ये करना पड़ेगा, डिवाइड बाय। अब हम करेंगे तो फाइव की वैल्यू मैंने से फाइव रखी, तो देखिए छोटा सा घर बना। अब थोड़ा सा दोबारा चलाते हैं इसको, फाइव की वैल्यू क्लियर अब रखते हम हैं। कहते हैं लेट्स से 10, तो ये देखेंगे इस तरह घर बन गया, ठीक है? डजंट मेक सेंस, ठीक है? सर हाफ हाउस लुक डजंट लुक बेटर। हाँ, डजंट लुक बेटर, आई एग्री, ये सर डजंट लुक बेटर। तो ये यहाँ पे आपने वैसे लिखा क्लियर कर दें, ना एस्ट्रॉइड मल्टीप्लाई बाय एस है ना, दोबारा आपने बताएं क्या लिखा? हाँ, लिखा ना, ये तो आप यहाँ एस्ट्रॉइड की बजाय वो यूज करें जो एस्की कोड्स में था वो ब्लॉक, हाँ, जिससे स्क्वायर आई डोंट बनाइए। नो कि ये जो स्पाइडर है वो आस्की कोड अलाउ करता है नहीं करता। लेट्स डू दैट, लेट्स चेक इट। कैसे करते हैं, कैसे सर्च किया था हमने? आस्की सिंबल्स, ये सर्च किया था ना हमने, और ये था हमारा पूरा टेबल, और यहाँ हम आए थे, यहाँ हमने ये सर्च किया था। आई डोंट नो ये उसमें वीडियो स्टूडियो में तो चल जाता है, लेकिन पता नहीं यहाँ चलता है नहीं चलता, तो मैं भी इसकी जगह हम ये कर देते हैं, ये आ जाएगा, और इधर भी हम यही कर देते हैं, ठीक है? ये क्या, और हम ये कर दे, ठीक है? अब चला के देखते हैं, लेट्स सी। वाओ, तो हमारा काइंड ऑफ एक घर हाउस बना, पर लुक्स बेटर हाँ, राइट, बट खैर ये भी आप करना चाहते कर सकते हैं, ठीक है? तो सो आई हमने एक थिंक हाउ आज मच हमने पहला काम अपना कर लिया, हमने हाउस डिस्प्ले कर दिया, ठीक है? अब आपका होमवर्क बड़ा सिंपल सा है कि आपने यही काम किसके साथ करना है, आपने बेसिकली वाइलू के साथ करना पाइथोनिया है, वीडियोस ठीक है? दियो। और एक और बात, इसमें ना हम कंकेटिनेशन यूज कर रहे हैं, आपको बेसिकली क्या करना चाहिए कि कंकेटिनेशन में अलाउ ना करूं, तो हमें बेसिकली इनको डिस्प्ले करवाने के लिए, उसको डिस्प्ले करवाने के लिए हमें दोबारा से लूप लिखना पड़ेगा, जो कि बार बार कैरेक्टर बाय कैरेक्टर 3 दफा चलेगा। तो याद है हमने पिछली क्लासों में किया था, ठीक है? हम अगर आने वाली क्लासों में भी करेंगे, लेकिन आज का जो आपका मेन काम है वो आपको बताता हूँ क्या है। पिछली जित कोई भी असाइनमेंट उठाएं और वो किस में करें, इसमें करें, आप स्पाइडर में करें, ठीक है? ताकि आप थोड़ा सा इसके कंफर्टेबल हो जाए। आज का असल में जो आपकी क्लास होनी है वो फ्राइडे और सैटरडे को होनी है, लेकिन आज की क्लास लेने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था ताकि आपको स्पाइडर से मैं थोड़ा सा वो करवा दूं, फेमिलियर करवा दूं, ठीक है? ठीक हो गया बात? आइंदा के बाद आपकी जो नेक्स्ट वीक से क्लासे हुआ करेंगी वो फ्राइडे और सैटरडे को हुआ करेंगी, ये ध्यान में रखें, ठीक है? लेकिन इस वीक में मैंने एक ले ली ताकि आपको स्पाइडर यूज करना आ जाए, ठीक है? तो आइंदा आपकी क्लासे जो होंगी वो फ्राइडे और सैटरडे को हुआ करेंगी, ठीक है? सो नेक्स्ट क्लास आपकी फ्राइडे को है, और उससे नेक्स्ट क्लास आपकी सैटरडे को, ठीक है? तो वेनेसडे को नहीं हो रही। आप बैठे से कोई क्लास नहीं, फ्राइडे और सैटरडे को क्लास लेते हैं, ठीक है? कुछ बच्चे ना वो उनकी उनके वो समय शुरू हो गया है, कोर्सेज शुरू हो गए, उनका स्कूल शुरू हो गया, तो वो आ नहीं सकते, तो फिर हम वीकेंड पे करते हैं क्लास, ठीक होगी बात? तो ये सारे आप, अच्छा अब्दुल्ला आजम, आपने ना ग्रुप पर बता देना कि आइंदा के बाद क्लासें आपकी फ्राइडे और सैटरडे को, ठीक है?
बड़े मजे मजे काम करने मैं दोबारा दिखाता हूँ नेक्स्ट क्लास में हमने ये बताना कहते हैं मैं ये बता सकता हूँ और क्या यही तो बात होती है आज लेकिन क्योंकि आज क्योंकि सारे लोग आए नहीं है ना जैसे हादी नहीं आया तो वो अगली क्लास में बड़ा मजेदार काम होने एक तो हमने ये एक तो हमने ये बनाना ये गौर से देखें ये देख रहे हैं आप ये देख रहे हैं आप ये क्या है सर आपने बुर्ज खलीफा नहीं सर ये इजराइल का निशान है हम ये स्टार बनाएंगे और स्टार बनाने का जो आपको आपको लग पता जाएगा इंशाल्लाह मजा आएगा और बड़ा वी विल एंजॉय इट सॉरी दोबारा बताएं क्या ये टर्टल से बनाना चाहिए टर्टल से भी बना सकते हैं लेकिन इस वक्त मैं चाह रहा हूं कि आप एक दो नेस्टेड लूप थोड़ा सा ठीक है जी भैया टर्टल चल सकता सॉरी दोबारा बताएं क्या इस पे टर्टल चल सकता रहता है बिल्कुल इस पे टर्टल भी चल सकता है ठीक है टर्टल भी चलाने की कोशिश कीजिएगा ठीक है मुझे मैंने इसे यूज नहीं किया लेकिन आप टर्टल भी यूज करेंगे चलेगा चलेगा टर्टल भी इस पे चलेगा ठीक है होमवर्क ये है कि जो अभी हमने आपके सामने ये बनाया है ना ये रिकॉर्ड बनाया है ये आपने बेसिकली इसी को नेस्टेड आपने ना ये आपने कंकेटिनेशन यूज हो रही है ना एक तो कंकेटिनेशन यूज नहीं करनी ठीक है हाउस बनाना है उसका स्प्रेड बनाना है अगर हो सके तो उसकी इसकी इसकी विड्थ बढ़ा दें और फिर आपको स्पेसिंग दोबारा कैलकुलेट करनी पड़ेगी सॉरी जी बेटा बताएं क्या बोला आपने एक और भी बड़ा मजेदार सवाल हो सकता है कि आपने हाउस ही बनाना है एक मिनट बात सुनो एक और भी तरीका ये हो सकता है कि आपने हाउस बनाना है लेकिन हाउस ऐसा होना चाहिए ऐसा मतलब ये कि अंदर से खाली और यहां से ऐसा आप इस हाउस को बनाना है ये कैसे बनाए या तो ठीक है और बेशक दरमियान में ऐसा हो ऐसा ठीक है और भी बहुत सारे काम और भी क्लास खत्म हो गई मिडिल लाइन नो ब्लॉक को अल्लाह हाफिज़ सर एंड यू ओके सर मिडिल लाइन नो ब्लॉक जी 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 अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़